बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू सुपीरियर कॉलेज उकाड़ा। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक बुक खरीद ली होगी। बेटे, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने इल्मे मुआशियात पार्ट टू प्रोफेसर मंजूर ताहिर चौधरी ये वाली बुक आप लोगों ने खरीदनी है। तो अब हमारा जो है फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले बेटे, हम कौमी आमदनी की तारीफ प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर फिशर की पढ़ चुके थे। हमने अपने थर्ड लेक्चर में जो हमने टॉपिक छोड़ा था कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें हम बेटे खाम कौमी पैदावार को पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे खालिस कौमी पैदावार, नेशनल जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल नेट प्रोडक्ट। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे खाम मुल्की पैदावार, और उसके बाद कौमी आमदनी, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी और फीकस आमदनी। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं खालिस कौमी पैदावार से, नेट नेशनल प्रोडक्ट से। अगर खाम कौमी पैदावार में से सरमाए की शिकस्त व रिख्त के अखराजात निकाल दिए जाएं तो खालिस कौमी पैदावार हासिल हो जाती है। बेटे मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर खाम कौमी पैदावार में से सरमाए की शिकस्त व रिख्त के अखराजात निकाल दिए जाएं तो खालिस कौमी पैदावार हासिल हो जाती है। इफ़ वी सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन अलाउंसेस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन्स फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे एक नया लफ्ज़ आया है, शिकस्त व रिख्त के अखराजात। मतलब ये अखराजात कौन से होते हैं जिनको कौमी आमदनी से, कौमी पैदावार से निकाल दें तो हमारे पास खालिस कौमी पैदावार बच जाती है। तो बेटे अशिया पैदा करने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए मशीनों आलात औजार की ज़रूरत होती है। मतलब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उनको पैदा करने के लिए हमें मशीनों आलात औजार इस्तेमाल करने होते हैं। ये मशीनें आलात औजार ख़राब होते रहते हैं और टूटते फूटते रहते हैं, इनकी मरम्मत करानी पड़ती है। इनकी मरम्मत पर जो खर्चा आता है उन्हें फरसूदगी के अलाउंस कहा जाता है, या उनको शिकस्त व रिख्त के अखराजात भी कह सकते हैं। बेटे डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, वी यूज मशीन एंड टूल्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स, दीज मशीन्स ऑफ्टन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द एयर ऑनिंग ऑफ वेयर एंड टेयर, वी हैव टू रिपेयर दीज मशीन्स टू एक्सपेंडिचर मेड ऑन देयर रिपेयर आर कॉल्ड डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। जैसे बेटे आप एक ट्रैक्टर जो है लेते हैं काश्तकारी करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, जब आप उसको चलाते हैं एक डेढ़ साल के बाद, दो साल के बाद बेटे उसके टायर ख़त्म हो जाते हैं, उसका इंजन जो है वो ख़राब हो जाता है, तो बेटे आप क्या करते हैं, आप उसके टायर जो है वो नए ख़रीदते हैं या आप उसका इंजन रिपेयर करवाते हैं। तो बेटे ये वो अखराजात हैं जो आपको अपनी मशीन्स पे करने पड़ते हैं। इसको कहते हैं शिकस्त व रिख्त के अखराजात, या इसको कहते हैं फरसूदगी के अलाउंस। तो बेटे ये अगर खाम कौमी पैदावार में से हम लोग निकाल दें तो हमारे पास बाकी जो है वो खालिस कौमी पैदावार हासिल हो जाती है। उसके बाद बेटे खाम मुल्की पैदावार, जैसा कि बेटे इसके नाम ही से जाहिर है, मुल्की पैदावार मुल्क के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें। तो बेटे किसी मुल्क के अफराद एक साल के दौरान आखिरी इस्तेमाल की जितनी भी अशिया खिदमात मुल्क के अंदर पैदा करते हैं इनकी बाजारी मालियत को खाम मुल्की पैदावार कहा जाता है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट्स व्हेन वी सबट्रैक्ट फॉरेन इनकम फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP equal to GNP minus FI. FI बेटे यहाँ पे foreign income को और GNP बेटे gross national product को बेटे जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद बेटे देखें अब जो है final अशिया क्या होती है, आपने गाड़ी तैयार करनी है बेटे, टायर अलग हैं, शीशे अलग हैं, लोहा उसका अलग है, जब आप उसको मुकम्मल तैयार कर लेते तो वो बेटे आखिरी इस्तेमाल की अशिया बन जाती है, और उसकी जो बाजारी मालियत होती है वो आपकी क्या होती है, खाम मुल्की पैदावार। इसी तरह बेटे आपके पास फर्नीचर है, आपके पास लकड़ी है, आप उसका फर्नीचर बना लेते हैं, चेयर मेज़ टेबल,
वो आपकी बेटे आखिरी इस्तेमाल की अशिया होती है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारा है कौमी आमदनी, नेशनल इनकम क्या होती है। अगर खालिस कौमी पैदावार में से बिलावास्ता टैक्स निकाल दिए जाएं और एयानों को शामिल कर लिया जाए तो बाकी कौमी आमदनी रह जाती है, या उसे हम बाकी को कौमी आमदनी कहते हैं। इफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सबट्रैक्ट फ्रॉम एनएनपी एंड सब्सिडीज आर एडेड इन एनएनपी वी गेट एनआई। एनएनपी बेटे नेशनल नेट प्रोडक्ट और एनआई बेटे नेशनल इनकम। अच्छा, इट इज द इनकम विच इज द एग्रीगेट ऑफ नेट रिवार्ड्स ऑफ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल रेंट्स, वेजिस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बेटे अगर खालिस कौमी पैदावार में से बिलावास्ता टैक्स निकाल दिए जाएं और एयानों को शामिल कर लिया जाए तो बाकी आमदनी जो है वो हमारे पास रहती रह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कौमी आमदनी कहते हैं। बेटे इसका फार्मूला है कौमी आमदनी बराबर है एयाने प्लस बिलावास्ता टैक्स और माइनस खालिस कौमी पैदावार। अब बेटे इसमें एक नया लफ्ज, दो नए अल्फाज आए हैं, एक तो बिलावास्ता टैक्स और एक एयाने। तो बिलावास्ता टैक्स बेटे ऐसे टैक्स होते हैं जो जिस शख्स पर आयद किए जाएं वो खुद अपनी जेब से अदा ना करे बल्कि इसका बोझ आगे किसी और शख्स पे मुंतकिल कर दे। जैसे बेटे सेल्स टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है। सेल्स टैक्स क्या होता है बेटे, ये उस फर्म के मालिक पे लगता है जो चीज़ें तैयार कर रहा होता है और वो क्या करता है, इसको प्राइस में शामिल करके, उस चीज़ की कीमत में शामिल करके किसी और पे मुंतकिल कर देता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो टैक्स हम लोगों पर मुंतकिल हो जाता है। एयाने बेटे वो सब्सिडीज होती हैं, वो रायत, वो छूट होती है जो गवर्नमेंट आपको देती है। जैसे बेटे आजकल जो है कोरोना आया हुआ है, कुछ कोविड-19 की वजह से आपके बिजली के बिल्स जो है वो बेटे कम आ रहे हैं, तो वो क्या किया बेटे, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दी हैं, गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया है बेटे, छूट और रायत दी है, तो उसको क्या कहेंगे बेटे, एयाने उसको कहेंगे। अच्छा बेटे, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पर्सनल इनकम, शख्सी आमदनी। इससे मुराद वो आमदनी होती है जो अनफरादी तौर पर हर शख्स एक साल के दौरान कमाता है। मतलब आपकी पाकिस्तान में 22 करोड़ 2 लाख अवाम है, तो हर वो बंदा जो अपने आप अनफरादी तौर पर अकेला जो है एक साल में जितने पैसे कमाता है वो उसकी क्या होगी बेटे, शख्सी आमदनी होगी। मसलन बेटे एक वकील साल भर में 10 लाख रुपए कमाता है तो ये इसकी शख्सी आमदनी होगी, और शख्सी आमदनी में इंतकाली दायदगियां और बराह रास्त टैक्स शामिल होते हैं। इंतकाली दायदगियां वो रकूमात होती हैं जो किसी शख्स को बगैर मेहनत की हासिल होती हैं, और मसलन ज़कात, खैरात, पेंशन और इमदाद वगैरह। और बेटे बराह रास्त टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो जिस शख्स पर लगाए गए वही शख्स जो है उनको अदा करता है, वो किसी और पर मुंतकिल नहीं कर सकता। जैसे बेटे इनकम टैक्स जो है वो जिसकी इनकम होती है उसी पर लगता है, और इसी तरह बेटे प्रॉपर्टी टैक्स जो है जिसकी ज़मीनें हो उसी पर लगता है, वो किसी और पर मुंतकिल नहीं कर सकते। तो बेटे यहाँ पे दो अल्फाज जो न्यू आपके लिए थे, इंतकाली दायदगियाँ और बराह रास्त टैक्स। इंतकाली दायदगियाँ बेटे वो मुआवजे जो बिना मेहनत की मिल जाते हैं, जैसे बेटे भीख, ज़कात, खैरात, पेंशन, गिफ्ट वगैरह, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको मिल जाते हैं। और बराह रास्त टैक्स बेटे वो टैक्स जो आपने खुद अदा करने होते हैं, तो इसको कहते हैं बेटे पर्सनल इनकम। इसका बेटे फार्मूला है शख्सी आमदनी इज इक्वल टू इंतकाली दायदगियाँ माइनस बराह रास्त टैक्स। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी मतलब वो आमदनी जो इंसान अपनी मर्जी से बेटे जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकता है। तो इससे मुराद बेटे शख्सी आमदनी का वो हिस्सा होता है जो बराह रास्त टैक्सों की अदायगी के बाद किसी शख्स के पास बाकी बचता है, जिसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का कुली इख्तियार रखता है। मतलब बेटे आपके पास पैसे हैं, आपने टैक्सेस अदा कर दिए हैं, उन टैक्सेस से अदा करने के बाद जो पैसे आपके पास बचते हैं वो आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बेटे कहते हैं काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। द इनकम इन द पोजीशंस ऑफ मैन आफ्टर पेमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज कॉल्ड डिस्पोजिबल पर्सनल इनकम। इट इज एट द डिस्पोजिबल ऑफ अ पर्सन एंड कैन स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन फ्री विल। ठीक है बेटे, उसके बाद हमारा बेटे लास्ट जो है पर कैपिटा इनकम। किसी मुल्क के एक अफराद के हिस्सा में आने वाली सालाना आमदनी फीकस आमदनी कहलाती है।
फीकस आमदनी का बेटे फार्मूला है कौमी आमदनी को कुल आबादी पे डिवाइड कर दे, मतलब पूरे मुल्क में लोग जो पैसे कमाते हैं और जो लोग पैसे नहीं कमाते उन उनकी आमदनी जो है, टोटल आमदनी जो है बेटे कमाने वाले लोगों की कुल आबादी पे तकसीम कर दें, तो एक बंदे के हिस्से में जो आमदनी आएगी उसको फीकस आमदनी कहते हैं। अच्छा बेटे, द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। बेटे इसका फार्मूला है फीकस आमदनी, कौमी आमदनी को कुल आबादी पे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा बेटे, आप प्लीज जो है जिन बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी वो बुक्स खरीद लें। नेक्स्ट जो है बेटे हमने कुछ डायग्राम्स जो है वो पढ़नी है, और वो डायग्राम्स जो है बेटे बुक से ऐड होंगी, और आप लोगों के पास बुक का होना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।